राजेंद्र प्रधान जी, आपके क्या मांग है, किस किन मांगों को लेकर आप भी चक्का जाम कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार सभी को पता है कि दलितों के साथ पिछले सैकड़ों वर्षों से अत्याचार होते आए, बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक एक्ट बनाया, संविधान बनाया कि उसके अंदर दलितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाया, आज जो हमारे देश के चीफ जस्टिस मिश्रा जी है, वो उन्होंने तुरंत बिगड़ सोचे समझे उस संविधान को बदलने की कोशिश की है। और उस संविधान को बदलने का मतलब ये है कि जिस प्रकार दलितों के साथ अत्याचार सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है, आज हमें लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारे साथ और भी ज़्यादा अत्याचार होंगे, क्योंकि उस संविधान में जो होगा वो ये होगा कि अगर आज हमारे साथ किसी प्रकार की अगर कोई अत्याचार हो रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे साथ हमारे घरों को जलाया जा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए वंचित रखा जाता है, हमें उससे बचने के लिए बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, आज उसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं और हमें फिर उसी राह पर, उसी बैकफुट पर लाने की कोशिश किए जा रहे हैं। जो स्वर्ण जाति से संबंधित जो बड़े लोग ऊपर बैठे, जो सरकार चला रहे हैं, जो भाजपा सरकार है, ये मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो भाजपा के आदमी हैं और उन्होंने एक सेकंड के अंदर जो ये काम किया है, ये बहुत ही गलत काम है। प्रधान जी, आप की कह रहे हैं कि मिश्रा जी ने ये काम किया है, तो आपको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, क्योंकि जब कोई ऐसा निर्णय आता है उसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, जो इसमें एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट सॉलिसिटर होते हैं, उनको वहाँ जाके अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं गया। आज ये हालात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने चीफ जस्टिस बैठे हैं, मिश्रा जी सिर्फ अपनी चला रहे हैं, किसी को पूछना नहीं चाह रहे, और इस संविधान से जो यह एक्ट बदलने की कोशिश की गई है, आज इससे ये होगा कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमारा पूरा समाज, दलित समाज पूरा खतरे में होगा, हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ नहीं सकती, उनको रोकने के लिए, उनकी तरक्की को रोकने के लिए हमें ये संविधान को बदला जा रहा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज पूरे देश के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया है, पूरा देश में चक्का जाम है, चाहे पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर और पूरी दिल्ली में तमाम स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, 10वीं 12वीं के पेपर रद्द कर दिए गए हैं, जगह जगह ट्रेनें रोकी गई है, रोडों पे जाम लगा दिया गया है, और आज हम भी अपने समाज को जागरूक करने के लिए इस कानून के विरोध में, जो कानून को ये फेर बदल किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम यहाँ तमाम हमारे दलित समाज के लोग यहाँ।